नमस्कार साथियों, मैं सूरज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी इस प्यारे से मंच पर दोस्तों, जिसका नाम है डीजे सर क्लासेस। अपन पढ़ रहे थे रीजनिंग, और दोस्तों रीजनिंग के अंदर अपन जो पढ़ के फ्री हुए हैं अभी, कल अपन ने पढ़ा था डाटा एनालिसिस। दोस्तों आपने डाटा एनालिसिस चैप्टर को पढ़ा है, अच्छी तरह से पढ़ा है, आपको पता लग गया होगा कि किस तरह के क्वेश्चन उसमें पूछे जा रहे हैं। आपको डाटा एनालिसिस सीखने के लिए, आपको अगर डाटा एनालिसिस सीखना है तो उसके लिए आपको सारे रीजनिंग के चैप्टर आने चाहिए, उसके बाद आप डाटा एनालिसिस को अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। दोस्तों ऐप पर पढ़ रहे मेरे जितने भी विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनका भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। वो भी अगर अपनी तैयारी को और बेहतरीन और मजबूत बनाना चाहते हैं तो प्लीज़ वो सबसे पहले क्या करेंगे, गूगल प्ले स्टोर पर जाकर सबसे पहले डीजे सर क्लासेस कोटा ऐप को डाउनलोड करेंगे। फिर वहाँ से उनको करना क्या है, वहाँ से उनको टेस्ट वन सब्सक्राइब करना है। दोस्तों टेस्ट वन सब्सक्राइब करने से क्या होगा, टेस्ट वन सब्सक्राइब करने से अपनी तैयारी और मजबूत बनने वाली है। यूट्यूब पर पढ़ रहे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो भी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करिए। ये तो हो गई पिछली क्लासेस की बात कि पिछली क्लासेस में क्या चल रहा था, क्या पढ़ रहे थे, डाटा एनालिसिस अपन ने खत्म किया था। उसके बाद सर आज पढ़ने क्या वाले हैं, आज पढ़ने वाले हैं अपन कोडेड इनइक्वलिटी। कोडेड इनइक्वलिटी अगर मैं बात करूँ, इसको साइन कंक्लूजन भी बोला जाता है साथियों, लॉजिकल रीजनिंग का ही पार्ट है। बैंकिंग परीक्षाओं के अंदर ये अधिकतर पूछा जाता है। बात करूँ अगर मैं बैंकिंग की कि डाटा इनइक्वलिटी या फिर साइन कंक्लूजन किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, किस प्रकार से पेपर में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो देखिए आज अपन कवर करने वाले हैं कि किस प्रकार से इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन क्लास की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं, क्लास की शुरुआत कैसे करते हैं अपन, क्लास की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ। दोस्तों जो आज का जो मोटिवेशनल कोट रहने वाला है वो रहने वाला है दोस्तों, अच्छी सफलता और अच्छा रिजल्ट पाने के लिए, अच्छी सफलता अच्छा रिजल्ट पाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है साथियों। आपको बातें करने से आपकी सफलता और रिजल्ट नहीं मिलेगा, आपको उनके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, दिन रात एक करना पड़ेगा, तभी जाकर आप कहीं ना कहीं कोई सफलता और कोई रिजल्ट अच्छा पा सकते हैं। चलिएगा साथियों आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का जो टॉपिक रहने वाला है अपना, वो रहने वाला है साइन कंक्लूजन। इसको हिंदी में बोला जाता है चिन्ह निष्कर्ष। हिंदी में क्या बोला जाता है इसको, चिन्ह निष्कर्ष, इसको हिंदी में बोला जाता है। और इंग्लिश में बोला जाता है इसको साइन कंक्लूजन, साइन कंक्लूजन। आइएगा इसको पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्या इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं। जैसे कि अगर आपको स्टेटमेंट में बोला जाता है कि ए बी से बड़ा नहीं है, ए बी से बड़ा नहीं है, इट मीन्स ए बी से बड़ा नहीं है, तो फिर वो ए बी से छोटा और इक्वल हो सकता है। कहने का मतलब जरूर समझिएगा आप, यहाँ पर आपसे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। ए बी से बड़ा नहीं है इसका मतलब है, पहला कथन आपसे जो पूछा जाएगा वो क्या पूछा जा सकता है, ए बी से बड़ा नहीं है। तो इसका मतलब आप क्या समझे, इसका मतलब ये समझे कि ए बी से छोटा और बराबर हो सकता है, ये इस स्टेटमेंट का मतलब समझ के मतलब निकल के आ रहा है, ए बी से छोटा और बराबर हो सकता है। दूसरा है ए बी से छोटा है, ए बी से छोटा है, तो इसका जो साइन बनेगा ए बी से छोटा है, इस प्रकार आप बना सकते हैं। तीसरा देखिएगा ए बी से छोटा नहीं है, ए बी से छोटा नहीं है, जब ए बी से छोटा नहीं है तो ए बी से बड़ा और बराबर हो सकता है, जी हाँ बिल्कुल हो सकता है। फोर्थ देखिए ए व बी बराबर है, ए व बी बराबर है, तो इसका जो साइन बनेगा इस प्रकार से बनाया जा सकता है। फिफ्थ देखिए ए व बी
बराबर नहीं है, ए व बी बराबर नहीं है, तो फिर इस कंडीशन में साइन क्या बनेगा? इस कंडीशन में अपना साइन बनेगा ए बी से बड़ा और छोटा दोनों हो सकते हैं। इसका मतलब ये है ए बी से बड़ा भी हो सकता है और ए बी से छोटा भी हो सकता है, यहाँ पर आप ये साइन बनाने वाले हो। तो दोस्तों ये कुछ पॉसिबिलिटीज हैं स्टेटमेंट की कि आपको स्टेटमेंट कौन कौन से दिए जा सकते हैं। ए बी से बड़ा अगर सीधा देख के बोले तो आपको ए ग्रेटर देन बी लेना है, ए बी से छोटा बोले तो ए लेस देन बी लेना है, ए इक्वल टू बी बोले तो ए इक्वल टू बी लेना है। उसके बाद अगर आपको बोल दिया जाए कि ए बी से छोटा नहीं है, ए बी से छोटा नहीं साथ है, तो इसका मतलब सीधा सीधा निकल के ये आ रहा है कि ए बी से बड़ा और बराबर हो सकता है। बिल्कुल जी हाँ हो सकता है, जैसे वो आपको दे वैसे आपको करना है। तो ये तो तरीके हो गए कि किस प्रकार से स्टेटमेंट पूछा जा सकता है। अब आगे देखिएगा कि अगर दो अल्फाबेट के बीच में रिलेशन कुछ इस प्रकार से दे दिया जाए, दो अल्फाबेट के बीच में रिलेशन कुछ इस प्रकार से दे दिया जाए कि दोनों संबंधित ही नहीं होंगे, दोनों संबंधित ही नहीं होंगे, तो उस कंडीशन में आपको फिर क्या करना है? उस कंडीशन में आपको करना है निष्कर्ष मान्य अपना नहीं होगा। साथियों देखो, अगर आपको दे दिया जाए किसी कथन में दो विरोधी चिन्ह आ जाए, मान लीजिए किसी कथन में इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट लगा के लिख लीजिए आप, किसी कथन में दो विरोधी चिन्ह को आप कैसे बनाएंगे? या तो आ जाए ग्रेटर देन या तो आ जाए लेस देन या आ जाए फिर ग्रेटर देन, दो विरोधी चिन्ह यही है। या इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं ग्रेटर देन और लेस देन, ऐसे भी पूछा जा सकता है। दो विरोधी चिन्ह अगर इस प्रकार से आपके कथन में बन रहे हैं तो उनसे संबंधित निष्कर्ष, उनसे संबंधित निष्कर्ष साथियों हमेशा असत्य होंगे। जैसे कि ये ए ग्रेटर देन बी है, ग्रेटर देन सी है, और आपसे बोल दिया जाए कि सी इज लेस देन बी है। अगर आपसे दो विरोधी चिन्ह यानी सी क्या है, यहाँ देखो सी क्या है, ब्रेकिंग पॉइंट है, सी क्या है, ब्रेक पॉइंट है, यानी कि बी का डी से कोई रिलेशन नहीं बन रहा है, यहाँ बी का डी से कोई रिलेशन नहीं बन रहा है, तो इस कंडीशन में अगर आपको निष्कर्ष में रिलेशन दिखाने के लिए बोला जाए या निष्कर्ष के अंदर इनका रिलेशन आपसे पूछा जाए, तो इस कंडीशन में फिर आप इसको क्या मानेंगे? फॉल्स मानेंगे। क्यों मानेंगे? क्योंकि बी और डी में कोई रिलेशन अपना नहीं बन सकता है। मेरे कहने का मतलब ये इसी नोट में कि अगर कथन में दो विरोधी चिन्ह आ गए, देखो दो विरोधी चिन्ह किस प्रकार से आ सकते हैं, अगर ये आ जाते हैं तो उनसे संबंधित निष्कर्ष हमेशा क्या होते हैं? असत्य होते हैं। उनसे संबंधित निष्कर्ष हमेशा क्या होंगे? असत्य होंगे। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसमें आंसर करने के क्या तरीके, वही तरीके हैं। एक कथन मिलेगा, कथन के रिगार्डिंग आपको उसको बनाना है सबसे पहले, तो बनाने के बाद फिर आपको ऑप्शन दिए जाएंगे कि पहला निष्कर्ष फॉलो करता है या दूसरा निष्कर्ष फॉलो करता है, या बोध करते हैं या दोनों नहीं करते हैं, या फिर फर्स्ट वाला करेगा या सेकेंड वाला करेगा। चलो आइए क्वेश्चन करते हैं। एक आपको कथन दिया गया है, क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। ए एट द रेट बी, ए सबसे पहले तो आपको दिया हुआ है ए एट द रेट बी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ए बी से ना तो बड़ा ना ही समान है, ए बी से ना तो बड़ा और ना ही समान है। ए एट द रेट बी का मतलब ए बी से ना तो बड़ा ना ही समान है, तो ए
क्या होगा, छोटा होगा। इसका मतलब क्या है, ए बी से छोटा है। दूसरा कथन ये कि ए कॉपीराइट बी, ए कॉपीराइट बी, इसका अर्थ क्या दिया हुआ है, ए बी से बड़ा नहीं है, ए बी से बड़ा नहीं है, तो ए बी से छोटा और इक्वल होगा। ए बी से बड़ा नहीं है तो ए बी से छोटा और इक्वल होगा, इसका मतलब ये हो गया। दूसरा देखिएगा, अगला क्या दिया हुआ है, ए स्टार बी, ए स्टार बी से आपको दिया हुआ है ए बी से छोटा नहीं है, ए बी से छोटा नहीं है तो ए बी से बड़ा और बराबर हो सकता है, ए बी से छोटा नहीं है, बड़ा और बराबर हो सकता है। आगे देखिएगा ए डॉलर बी, इसका अर्थ क्या है, ए डॉलर बी का अर्थ है ए बी से ना तो छोटा और ना ही समान है, ए बी से ना तो छोटा और ना ही समान है, तो ए बी से बड़ा होगा। इसके बाद है ए हैश बी, इसका अर्थ क्या दिया हुआ है, इसका अर्थ दिया हुआ है ए बी से ना तो बड़ा और ना ही छोटा है, बड़ा और ना ही छोटा है, तो ए बी से छोटा होगा, ना तो बड़ा ना ही समान है, और इसका ना तो बड़ा और ना ही छोटा, ना तो बड़ा और ना ही छोटा, ए बी से ना तो बड़ा और ना ही छोटा, तो ए इक्वल्स टू बी। ये आपको सारी चीजें दी हुई है, तो अपने को आंसर करना है। पहला कदम देखिए, पहला कदम क्या है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे। क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन देखिए, Q स्टार D, D हैज टेक R, Q स्टार D, D हैज टेक R, ये कथन दिया हुआ है अपना। ये क्या है साथियों, ये कथन है, ये क्या है, कथन है Q स्टार D, D हैज टेक R, और R कॉपीराइट N, R कॉपीराइट N, ये कोई कथन है। इसके निष्कर्ष देख लो, निष्कर्ष पहला, पहला क्या निष्कर्ष है, N स्टार D, N स्टार D, दूसरा निष्कर्ष है अपना, दूसरा निष्कर्ष है N डॉलर Q, N डॉलर Q। अब आपको आंसर निकालना है कि किस प्रकार से इनका आंसर किया जाएगा। ये क्वेश्चन हो गया और ये अपना कथन है और ये निष्कर्ष है। सबसे पहले तो आप कथन के अंदर जो बीच में जो साइन दिए गए हैं सबसे पहले उनको बनाएंगे, तो कथन को बनाइए सबसे पहले, तो कथन का क्या होगा, Q स्टार D, और स्टार का मतलब क्या है, A greater than or equal to B, तो Q greater than or equal to D, ये होगा D hashtag R, hashtag का मतलब क्या है, A बराबर B, तो D equals to R, उसके बाद R copyright N, तो A copyright B का मतलब क्या है, A जो है छोटा और बराबर है B के, तो R छोटा और बराबर होगा N के। ये आपका कथन बन चुका है, ये आपका कथन बन चुका है। अब इसके कथन के रिगार्डिंग पहला जो निष्कर्ष है वो देखते हैं कि ये फॉलो करेगा या नहीं करेगा। पहला दिया हुआ है n स्टार d दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, यानी कि n बराबर और ग्रेटर देन d से, n बड़ा और बराबर है d के, ये चेक करते हैं, n बराबर और बड़ा है d से, n बराबर और बड़ा है d से, तो देखिएगा पहला वाला मान्य होगा या नहीं होगा। D और R पे चलते हैं, इनका n बड़ा होना चाहिए किससे, D से, तो जब n बराबर R है तो यहाँ greater than का साइन है क्या, n D से कहाँ बड़ा हो गया, n तो R खत्म में क्या दिया हुआ है, n तो बराबर है D के, greater than तो है नहीं, लेकिन greater than होता तो मान्य करते, लेकिन greater than नहीं तो ये वाला मान्य नहीं करेंगे, ये वाला फॉलो नहीं करेंगे। दूसरा देखिए n डॉलर q, n डॉलर q का मतलब देखिए क्या है, a greater than b, तो n greater than q, ऐसा पॉसिबल है क्या, देखते हैं n greater than q, देखो सॉरी
बी इक्वल टू आर है तो डी को आर के इक्वल पुट करते ही हो जाएगा। जी हाँ बिल्कुल, पहला वाला मान्य होगा, अपना अपना पहला वाला मान्य होगा, क्योंकि देखिए डी बराबर आर है तो आर की जगह डी को पुट कर सकता हूँ, तो एन ग्रेटर देन और इक्वल टू हो गया डी के, एन ग्रेटर देन और इक्वल टू हो गया डी के, तो ये वाला बिल्कुल सही होगा। एन ग्रेटर देन क्यू लाना है, क्या लाना है, एन ग्रेटर देन क्यू लाना है, तो यहाँ देखिए एन ग्रेटर देन क्यू कैसे आएगा, एन ग्रेटर देन क्यू कैसे आएगा, दो विरोधी चिन्ह साथ ही हो, ग्रेटर देन और लेकिन क्यू इक्वल्स टू डी भी है, यहाँ क्यू पुट कर दू, क्यू इक्वल्स टू आर भी होगा, तो एन ग्रेटर देन क्यू होगा या नहीं होगा, जी हाँ ये भी होगा। तो अभी फिलहाल के लिए इसका जो आंसर होगा वो क्या हो रहने वाला है, अपना अपना जो इसका आंसर रहने वाला है वो होगा बोथ फॉलो, इसका आंसर क्या होगा, बोथ ये अपना इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट कथन है आपका, नेक्स्ट कथन है टी स्टार टी टी डॉलर एन, टी स्टार टी टी डॉलर एन और आर कॉपीराइट एन, ये कथन है। निष्कर्ष देखिएगा, पहला निष्कर्ष है टी कॉपीराइट एन, दूसरा निष्कर्ष है टी हैशटैग टी, ये दो निष्कर्ष हैं आपके, इनको चेक करना है साथियों, इनको चेक करना है। तो सबसे पहले कथन के लिए बनाइए कि कथन के लिए क्या बन रहा है अपना, पी स्टार टी, स्टार का मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए स्टार भी, तो ए पी जो होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा अपना टी के, उसके बाद है टी डॉलर एन, टी डॉलर एन का मतलब है ए ग्रेटर देन, टी ग्रेटर देन एन, उसके बाद है आर कॉपीराइट एन, आर कॉपीराइट एन का मतलब है यहाँ से देखिए कि आर छोटा और बराबर है बी से, आर छोटा और बराबर है बी से, तो R जो है छोटा और बराबर होगा N के, R जो है छोटा और बराबर होगा N के, क्या इसको ऐसे बना सकता हूं मैं, जी हाँ बना सकते हैं, R छोटा और बराबर है N के, इसको ऐसे भी तो बना सकते हैं, जी हाँ बना सकते हैं। तो पहला निष्कर्ष, निष्कर्ष नंबर फर्स्ट, P कॉपीराइट N, P कॉपीराइट N का मतलब सीधा सीधा इतना निकलता है कि P छोटा और बराबर है N के, P छोटा और बराबर है N के, क्या P छोटा और बराबर हो सकता है क्या N के, अगर P को सुन की P को यहाँ पर करूँ तो P हमेशा क्या होगा ग्रेटर देन होगा N के, P N के ग्रेटर देन होगा ना कि छोटा होगा, तो ये वाला निष्कर्ष फॉलो नहीं होगा। दूसरा वाला निष्कर्ष देखिए टी हैशटैग पी, टी हैशटैग पी का मतलब है कि टी बराबर पी गिवन है, टी बराबर पी गिवन है, टी बराबर पी गिवन है, तो क्या ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, पी टी बराबर पी है
तो पी क्या है, पी के बराबर है और छोटा भी है और पी इससे बड़ा भी है, तो अभी फिलहाल बराबर है तो ये वाला मान्य होगा। तो कौन सा केवल सेकंड निष्कर्ष मान्य होगा, केवल सेकंड निष्कर्ष मान्य होगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अगले क्वेश्चन पे आते हैं। साथी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं साथी, वो किस प्रकार से आते हैं वो देखते हैं। P डॉलर Q का अर्थ है P Q से छोटा नहीं है। P डॉलर Q का क्या अर्थ है? P Q से छोटा नहीं है, ये आपको बोला गया है। क्वेश्चन में जो दिया जाता है सिर्फ इतना ही दिया जाता है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी इतना ही था। मैंने डायरेक्टली उसको लिखा कि इसको लिखेंगे कैसे, अब आप खुद को लिखना है कि इसको लिखेंगे कैसे। P डॉलर Q का अर्थ क्या है? P Q से छोटा नहीं है। P एट द रेट Q इसका मतलब क्या है? P एट द रेट Q का अर्थ है P Q से बड़ा नहीं है, P Q से बड़ा नहीं है। थर्ड नंबर है अपना P कॉपीराइट Q का अर्थ है P ना तो Q से छोटा है और ना ही समान है। फोर्थ नंबर पे आपको क्या दिया गया है? फोर्थ नंबर पे आपको दिया गया है P परसेंटेज Q। इसका मतलब देख लो, P परसेंटेज Q का मतलब है P ना तो छोटा है, ठीक है दोस्तों, इसमें इसका मतलब है P ना तो Q से बड़ा है और ना ही समान है। इसको बड़ा कर लेना, बड़ा है और ना ही समान है। इसमें करना P ना तो Q से छोटा है और ना ही समान है, ना ही समान है। और P has take Q इसका मतलब है P has take Q का P ना तो Q से बड़ा और ना ही छोटा है। P ना तो Q से बड़ा और ना ही Q से छोटा है। दोस्तों सिर्फ आपको सिर्फ इतना ही दिया हुआ है, आपको क्या दिया हुआ है? इतना ही दिया हुआ है। इतना देकर आपसे क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो किस प्रकार से पूछा जाएगा वो देख लीजिए, आपके क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाने वाला है। पहले वाले स्टेटमेंट से आपको बनाना है P डॉलर Q, P Q से छोटा नहीं है। P Q से छोटा नहीं होगा इसका मतलब क्या होगा? P Q से बड़ा और बराबर हो सकता है, पहले वाले का ये निकलेगा। P Q से बड़ा और बराबर, P Q से
बड़ा और बराबर हो सकता है। दूसरा देखिए, पी क्यू से बड़ा नहीं है, पी क्यू से बड़ा नहीं है, यानी कि पी लेस देन और इक्वल टू क्यू हो सकता है। पी ना तो बड़ा है और ना ही समान है, पी ना तो बड़ा है और ना ही समान है, तो पी श्योरली छोटा होगा क्यू से। इस वाले में देखिए, पी ना तो छोटा है और ना ही समान है, तो इस वाले में क्या होगा, पी ग्रेटर देन क्यू होगा, और पी ना तो क्यू से बड़ा और ना ही छोटा है, इस कंडीशन में पी इक्वल्स टू क्यू होगा। इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ही दिया गया था, ये वाला नहीं दिया गया, तो ये देंगे और ये आपको निकालना पड़ेगा कि पहले से इसका मतलब समझे, उसके बाद आपको क्या दिए जाएंगे, कुछ कथन दिए जाएंगे, उसके बाद आपको कुछ कथन दिए जाएंगे और फिर उसके अकॉर्डिंग अपने को आंसर्स करने हैं। तो देखो किस प्रकार से इसके आंसर्स करेंगे। कथन, पहला कथन क्या दिया गया है, पहला कथन आपको दिया गया है एम कॉपीराइट टी टी एट द रेट जे, एम कॉपीराइट टी टी एट द रेट जे और जे हैशटैग डी, जे हैशटैग डी, ये आपको दे दिया कथन में। और निष्कर्ष में देखो अपने को क्या दिया मिला हुआ है, निष्कर्ष में मिला हुआ है, निष्कर्ष में पहला निष्कर्ष, पहला निष्कर्ष अपना है डी हैशटैग टी दूसरा है डी परसेंटेज टी और तीसरा है डी परसेंटेज एम, डी परसेंटेज एम। साथियों ये कथन और निष्कर्ष, तो सबसे पहले आप क्या बनाएंगे, मैं कथन इधर बना रहा हूँ, कथन को इधर सोल्व कर रहा हूँ कि कथन क्या है अपना। दोस्तों कथन देखिएगा, कथन क्या है, कथन है एम कॉपीराइट टी, तो एम कॉपीराइट टी का मतलब क्या होगा, एम कॉपीराइट टी का मतलब होता है कि एम लेस देन है क्यू से, तो एम लेस देन है क्यू से। टी एट द रेट जे, एट द रेट का मतलब देखो, एट द रेट का मतलब है कि आपका आगे वाला पीछे वाले से छोटा और इक्वल होगा, तो टी एट द रेट जे करना है आपको एम, ठीक है, टी एट द रेट जे करना है, यानी कि टी जो होगा छोटा और इक्वल होगा किससे, जे से, उसके बाद जे हैशटैग डी, तो पी हैशटैग क्यू का मतलब क्या है, पी इक्वल्स टू क्यू, तो जे इक्वल्स टू डी, ये वाला कथन आप बना चुके हैं, ये वाला कथन आप बना चुके हैं। इसके बाद अपन करेंगे क्या, निष्कर्ष करने वाले हैं। तो पहला निष्कर्ष देखिए, पहले निष्कर्ष का आंसर निकालते हो, डी हैशटैग पी क्या डी पी के बराबर है क्या, चलो चेक करते हैं, डी पी के बराबर है क्या, जे इक्वल्स टू डी है, जी हाँ, तो डी यहाँ आ गया और डी इक्वल्स टू टी भी है, डी इक्वल्स टू टी भी है, जी हाँ, तो पहला क्या होगा निष्कर्ष फॉलो करेगा। दूसरा निष्कर्ष देखिए, डी परसेंटेज टी, डी परसेंटेज टी, डी परसेंटेज टी का मतलब है कि डी आपका ग्रेटर देन होगा, डी परसेंटेज टी का मतलब है डी आपका ग्रेटर देन होगा टी से। चलते हैं कि डी आपका होगा डी परसेंटेज, डी इक्वल्स टू जे है, तो यहाँ से आप इसको डी को यहाँ ला सकते हैं और डी ग्रेटर देन है टी के, बिल्कुल ग्रेटर देन है और इक्वल टू भी है, तो ये दोनों ही सकते हैं। लेकिन जब कुछ ऐसा रिलेशन आ जाए, दोनों निष्कर्ष में दोनों सेम हो और दोनों में ही हो रहे हो, बराबर भी है और टी भी है, तो वहाँ पर कौन सी स्थिति बनती है साथियों, वहाँ पर स्थिति बनती है या तो पहला फॉलो करेगा या दूसरा फॉलो करेगा, या तो पहला फॉलो करेगा या दूसरा फॉलो करेगा, दोनों चीज़ें एट अ टाइम अपनी एक साथ नहीं हो सकती, दोनों चीज़ें एट अ टाइम अपनी एक साथ नहीं हो सकती, या तो बराबर होगा या फिर ग्रेटर देन होगा,
तो इसके लिए क्या आंसर होगा, पहला या दूसरे में, पहला या तो पहला या फिर दूसरा। थर्ड वाले में देखो क्या करेंगे, थर्ड वाले में क्या करने वाले हैं, बी परसेंटेज एम परसेंटेज को देखो, यानी डी ग्रेटर देन एम है, डी ग्रेटर देन एम है, तो डी ग्रेटर देन एम हो सकता है क्या? पहले तो ये देखो डी बराबर है, डी बराबर है, हाँ हो सकता है। तो यहां पर आंसर किस प्रकार से करेंगे, यहां पर आंसर होगा अपना या तो पहला या दूसरा और तीसरा फॉलो करेंगे, या तो पहला या दूसरा और थर्ड फॉलो करेंगे, ये अपन आंसर करेंगे। इसका आंसर क्या करेंगे, आंसर होगा या तो फर्स्ट या सेकंड और थर्ड फॉलो करेगा, ये अपना आंसर होगा। तो प्लीज आप एक बार इस क्वेश्चन को और ध्यान से देख लीजिए कि इस क्वेश्चन को करा कैसे हमने, या किस प्रकार से इसको सॉल्व किया है। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन यही है साथियों। और अगला क्वेश्चन है एच डॉलर जे, एच डॉलर जे जे कॉपीराइट एम, जे कॉपीराइट एम, एम एट द रेट टी, एम एट द रेट टी, ये खत्म हो गया। निष्कर्ष देखो इसका, निष्कर्ष क्या है, पहला निष्कर्ष है, पहला निष्कर्ष आपसे पूछा गया है डी हैशटैग टी सॉरी एच परसेंटेज एम, एच परसेंटेज एम, दूसरा है एच डॉलर, एच डॉलर टी, और थर्ड है अपना टी हैशटैग जे। दोस्तों ये तीन निष्कर्ष हैं, वही क्या करेंगे, सबसे पहले तो कथन के लिए अपना सॉल्यूशन करेंगे, कथन के लिए अपना सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो कथन के लिए देखो कैसे सॉल्यूशन करेंगे, ये रहा कथन, एच डॉलर जे, तो डॉलर का मतलब देखो क्या है, छोटा नहीं है, तो एच अपना बड़ा और बराबर होगा जे से, जे कॉपीराइट है, जे लेस देन होगा एम से, जे लेस देन होगा एम से, एम एट द रेट टी, एट द रेट का मतलब क्या होता है कि एम जो है छोटा और बराबर होगा टी से। ये अपना कथन रेडी हो चुका है, इस कथन से अपने को निष्कर्ष को चेक करना है, निष्कर्ष को चेक करते हैं। पहला निष्कर्ष, पहला निष्कर्ष है एच परसेंटेज एम, एच परसेंटेज एम का मतलब है कि एच अपना ग्रेटर देन है एम के, एच ग्रेटर देन है एम के, तो एच और एम में रिलेशन होगा नहीं होगा, देखो क्यों नहीं होगा, एच और एम में रिलेशन क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर दो विरोधी चिन्ह हैं, ये वाला ब्रेक हो गया, क्या है यहाँ पर दो विरोधी चिन्ह हैं, तो ये तो ब्रेक ही फॉलो नहीं करेगा एच और एम। एच डॉलर टी, एच डॉलर टी का मतलब क्या होता है कि एच ग्रेटर देन और इक्वल टू टी होना चाहिए, एच ग्रेटर देन और इक्वल टू टी होना चाहिए, क्या हो सकता है, एच ग्रेटर देन और इक्वल टू टी होना चाहिए, एच ग्रेटर देन और इक्वल टू टी होना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, दो विरोधी चिन्ह हैं, दो विरोधी चिन्हों के बीच में। तीसरा है
टी हैशटैग जे, टी हैशटैग जे का मतलब सुन लो, टी हैशटैग जे का मतलब है कि टी बराबर है जे के, थर्ड वाला टी बराबर है जे के। तो टी बराबर है क्या जे के, देखो यहां आ जाएगा टी, टी बराबर जे के तो आई नहीं ला तो ये भी नहीं होगा, तो कोई सत्य नहीं है अपना, यहां क्या होगा कोई सत्य नहीं है। इसका आंसर क्या होगा कोई सत्य नहीं। तो दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और पूछे जाते रहेंगे, तो आपसे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करिए, और प्रैक्टिस करने से क्वेश्चन 100% आपको सीखने को मिलेगा या समझ में आएगा। तो ये थी दोस्तों आज की क्लास, आई होप आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। इसी तरह से नई नई क्लासें अपन पढ़ते रहेंगे। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही था, मिलेंगे अगली वाली क्लास में किसी नए चैप्टर के साथ और किसी नए अध्याय के साथ। लेकिन जाने से पहले, क्लास को क्विट करने से पहले मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि अगर आप मेरे से पढ़ रहे हैं, मेरे साथ तैयारी कर रहे हैं और अपनी तैयारी को और बेहतरीन और मजबूत बनाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, डीजे सर क्लासेस ऐप से सबसे पहले आपको टेस्ट वन सब्सक्राइब करना होगा। टेस्ट वन सब्सक्राइब करने से आपकी तैयारी और मजबूत होगी। वहाँ पर आप खोल कर आप देखें टेस्ट वन को एक बार, वहाँ पर आपको नंबर ऑफ टेस्ट मिलेंगे हर एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट के अंदर, चाहे मैथ्स के अंदर, चाहे इंग्लिश के अंदर, चाहे आप जीके के अंदर, चाहे रीजनिंग के अंदर, किसी भी सब्जेक्ट के अंदर आप जाके देख लीजिए, वहाँ पर हर एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट के आपको टेस्ट देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये थी आपकी आज की क्लास, आई होप पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वाली क्लास में किसी नए चैप्टर के साथ, किसी नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।